आज हम एक कंपनी का बेसिक सा डेमो क्वेश्चन लेके चलते हैं, उससे हम समझेंगे कि कंपनियों की जो एंट्री होती है वो किस टाइप से होती है, शेयरों का अलॉटमेंट किस टाइप से होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सभी की एक बेसिक एक क्वेश्चन के साथ में हम एंट्री बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चनों के अंदर इस टाइप से भी दिया हुआ होता है कि आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको कंपनी की कैपिटल बता दी जाएगी। सुनो भाई, क्या बता दिया जाएगा, कैपिटल। जैसे कि माना कंपनी की कैपिटल है आपकी 3 लाख रुपए, 10 रुपए वाले आपको शेयर जो है निर्गमित करने हैं। कुछ में तो क्या हो जाएगा, वो शेयरों की संख्या बता देंगे। यहां पर क्या कराया, आपको कैपिटल बता दी कि इतनी है और आपको बता दिया कि शेयर कितने का अलॉट करा जा रहा है, यानी शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए शेयर की कीमत करी जा रही है। तो आप नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, या कुछ कुछ में क्या दे दिया जाएगा, आपको शेयरों की संख्या दे दी जाएगी और तब आपको बता दिया जाएगा कि 10 रुपए का शेयर है, तो आप समझ, आपको निकालना पड़ेगा कि उसकी कैपिटल कितनी है। तो इस टाइप से हो जाएगा। एक हम थोड़ा रफर कर लेते हैं, सपोज 3 लाख कंपनी की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, 30,000 शेयर करने पड़ेंगे। या अगर आपसे कहा कि 30,000 शेयर थे, शेयर कितने हैं, 30,000, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितनी हो जाएगी, तब होगी 3 लाख। समझ में आ गया। दोनों तरीके से क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाते हैं इस टाइप से। आपको आपको उसकी कैपिटल बता दी, आपको नंबर ऑफ शेयर अगर निकालने हैं, एक शेयर की कीमत बता दी, उससे आप डिवाइड कर दोगे, आपको एक शेयर की कीमत आपको आ जाएंगे कि नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट करे जा रहे हैं या कितने कितने शेयरों में उसकी पूंजी विभक्त है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर हम क्या लेके चल रहे हैं कि हमारी कंपनी की पूंजी है आपकी 3 लाख, 10 रुपए वाले शेयरों के अंदर वो विभक्त है, यानी 10 शेयर की कीमत कितनी रख रही है कंपनी, 10 रुपए। तो आपको नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट करे जाएंगे, 30,000, कितने हो जाएंगे, 30,000। अब सबसे पहले आप देखिए, अब शेयर जो होगा, शेयर में जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, शेयर की कोई भी कीमत जो होती है, पूरी कीमत कंपनी एक साथ वसूलती नहीं है, वो क्या करेगी, सबसे पहले क्या निकालेगी, एप्लीकेशन, फिर इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट, फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल, और फिर सेकंड कॉल अगर बचती है तो थर्ड कॉल या फाइनल कॉल बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देखिए, आपको जब कंपनी अगर किसी भी चीज का अलॉटमेंट करती है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर शेयर निकालती है तो सबसे पहले क्या होगी, एप्लीकेशन आएगी, क्या आएगी, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के अंदर एक चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि एप्लीकेशन के अंदर आपने अगर 200 निकाली है तो आप ये नहीं कह सकते कि 200 शेयर हैं, तो जैसे अगर मान लो 30,000 शेयर हैं तो 30,000 शेयरों के लिए आपके कहना, जो भी आपने माने गए, जैसे चलो भाई 400 लोगों ने अप्लाई करा, 500 या 30,000 ने अप्लाई करा, तो जितने भी अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन तो कितनों की भी आ जाएगी। अब उसके बाद में अगर हमारी वो, तो हमारी जो कंपनी जो है वो डिसाइड करेगी कि किसको शेयर देने हैं, किसको शेयर नहीं देने हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पर तो आपका कोई, कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है कि कितनी एप्लीकेशन आएंगी, पहले से फिक्स नहीं करेगी कि किसे देने हैं किसे नहीं देने। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन कितनी भी आ सकती है, तो सबसे पहले हम कितनी आई और कितनों का अलर्ट हुआ उससे पहले ध्यान देते हैं कि सबसे पहले एंट्री क्या बनती है। तो सबसे पहले एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, आप एक चीज का ध्यान रखना, शेयरों का जो भी पैसा जो होता है कंपनी का, जो भी कंपनी जो अपना ट्रांजेक्शन करती है, कभी भी कैश में नहीं करती, वो किससे करेगी, बैंक से, बैंक में, यानी या तो आप अपना DD बनवाओ या चेक या जो भी प्रावधान होगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से, कंपनी का अकाउंट और आपका अकाउंट दोनों लिंक रहेंगे, यानी दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, पर्सनल नहीं होगा कि आप गए कंपनी की विंडो पे गए या किसी कोई भी अगर काउंटर है, आपने कैश गिने, लो जी 500 रुपए लो और शेयर दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांजेक्शन कहाँ से होगा, बैंक से होगा, कंपनी ने जो भी अपना फॉर्मेट बना रखा हो, DD बना के जमा करना है, चेक जमा करना है, जो भी कुछ हो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो आएगी आपकी, अगर आप एप्लीकेशन जो होती है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, क्योंकि बैंक अकाउंट, क्योंकि जो पैसा जो होगा वो क्या होगा, कैश में नहीं होगा, क्या होगा, इसलिए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू क्या हो जाएगा, किस चीज का पैसा है, किस चीज के लिए, बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपका डेबिट, अभी हम पोस्टिंग करके मैं आपको बता दूंगा किस किस टाइप से है, ठीक है। अब देखो, ये एप्लीकेशन जो आपके बैंक अकाउंट जो है, आपकी एप्लीकेशन जो कंपनी ने निकाली है, शेयर कितने हैं,
शेयर हैं कितने आए हैं 30,000। अब सबसे पहले आप देख लो उसमें आपको क्या बताया था, दो की एप्लीकेशन ले रही है, तीन का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कितने की है 2 रुपए की, और तीन जो आपकी सेकंड कॉल है वो कितने की है 3 रुपए की। अब यहां से आप टोटल देख लो, 3 × 5 टोटल जो शेयर की कॉस्ट कितनी थी 10 रुपए। क्वेश्चन में शेयर की कॉस्ट कितनी है 10 रुपए है हमारी, हम मान के चल लेंगे शेयर की कॉस्ट क्या है 10 रुपए है। अब वो जो आपसे क्या कर रही है, 2 रुपए तो ले रही है एप्लीकेशन पे, 3 रुपए ले रही है अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए सेकेंड कॉल पे, ठीक है। अब क्या सबसे पहले क्या हो जाएगी, देखो आपके शेयर कितने हैं, आप रफ वर्क यहां से कर लो, शेयर कितने हैं आपके, कंपनी ने कितने निकाले 30,000। अब 30,000 पे ये एप्लीकेशन कितने की है 2 रुपए की, एप्लीकेशन कितने की है, तो यहां से जो पैसा जो बनेगा कितना हो जाएगा एप्लीकेशन पे 60,000, 60,000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहां से भी कितना हो जाएगा, अब ये शेयर अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन कितने हो जाएंगे, ये भी सेम यहीं पे हो जाएगा, उतना ये हो गया डेबिट और ये कितना हो गया क्रेडिट, कितना हो गया 60,000, ठीक है। अब यहां से आप देखिए अब क्या हो जाएगा, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है सेकंड उसमें क्या हो जाएगा कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर एप्लीकेशन कितने की आई थी हमारी 60,000 की, क्योंकि फॉर्मेट तो वही रहेगा आपका, 30,000 शेयर हैं, 2 की वो है, तो कितना हो जाएगा 60,000 कितने हो गए आपके डेबिट और 60,000 ही कितने हो गए आपके क्रेडिट, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन का पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो गई आपकी फर्स्ट, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो था एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन जमा कराई गई और इसे क्या करा आपको अलॉट करके कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो बचा हुआ जो पैसा होगा, यहां पर देखो एप्लीकेशन का मनी तो आ गया, अब इसके बाद क्या है हमारा अलॉटमेंट, इसके बाद क्या है अलॉटमेंट। अब जब अलॉटमेंट के लिए भी क्या होगा, अलॉटमेंट के लिए भी आप ऐसा नहीं करोगे, सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बिजली के बिल के बारे में बताया था, अभी मैंने तुम्हें आज से पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर तुम बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन जमा करोगे, कुछ पैसा जमा करोगे, सबसे पहले आपने क्या करा पैसा जमा कर दिया, ठीक है। अब वो पैसा जो था आपका, ये वाला जो पैसा था, यानी आपका जो है रजिस्टर्ड हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, कंपनी जो होगी वो, यानी जैसे अगर बिजली का बिल होगा तो पहले विद्युत विभाग जो है वो तुम्हारे पास एक बिल भेजता है, अब उसे एस्टीमेट मान लो या तुम्हारी रीडिंग के अकॉर्डिंग मान लो, पैसा तो आप उसके बाद जमा करते हो ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कंपनी में होगा। पहले क्या था, पहले उन्होंने कंपनी ने एक इश्तिहार दे दिया, ऐड दे दिया, हम सब पहुंच गए या आप सब पहुंच गए, आपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो जो सेलेक्ट हो गए, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यानी सेलेक्ट जो हो गए, अब उनके बाद की कहानी स्टार्ट होगी, उसके क्या होगा, उसके बाद की कहानी स्टार्ट होगी। इट मींस यहां पर क्या हुआ, एप्लीकेशन तो हो गई आपकी, अब क्या होगा, कंपनी अलॉटमेंट के लिए सबसे पहले एज ए कॉल करेगी, समझ रहे हो, जैसे आपको बिल के लिए पहले एक बिल आता है, मैसेज के थ्रू आए चाहे आपको मेल आए, पर पहले विद्युत विभाग यानी जो भी कंपनी है हमारी वो आपको पहले बिल भेजती है, पहले जाके तुम पैसा जमा करके आते हो, कोई जमा नहीं करके आता, तो फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले अलॉटमेंट के लिए भी एज ए कॉल आएगी, सबसे उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, उसकी एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कॉल किस चीज की है, अलॉटमेंट की है शेयर, तो उसकी क्या हो जाएगी SS, शेयर को शॉर्ट में करा दे रहा हूं SS, तो ठीक है क्या हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट में तो जितनों की एप्लीकेशन आई थी उसमें से सेलेक्ट हो गए कि कितनों को अलॉट किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे हमारे 30,000 थे, तो कितने थे यहां पर 30,000 इंटू अलॉटमेंट कितने का है 3 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा 90,000 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 90,000 हो गया, 90,000 का डेबिट हो गया, 90,000 क्या हो गया आपके क्रेडिट, समझ आया अलॉटमेंट। अब देखो यहां पर अलॉटमेंट के लिए ये कॉल किस चीज की है, ये सिर्फ उसने कंपनी ने आपको कॉल करी है, सिर्फ कॉल है, ये पैसा भी आया नहीं है।
अब क्या करेंगे, जो भी कस्टमर हैं हमारे या जो भी शेयर होल्डर हैं या जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, वो क्या करेंगे, वो अब पैसा देंगे। ये तो क्या थी, ये तो खाली कॉल थी, क्या थी, कॉल थी। इसके बाद में जो पैसा आएगा, अब जो पैसा आएगा उस पैसे को क्या करोगे, वो पैसा जो आएगा आपका क्या आएगा, वो पैसा आप जमा करना है। अब जो भी पैसा आएगा उसका क्या हो जाएगा, शेयर क्या हो जाएगा, ये आपके बैंक के अंदर जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट टू किस चीज का पैसा है, शेयर अलॉटमेंट का। किस चीज का पैसा है, शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा, 90,000। अभी हम ये मान के चलने के अलॉटमेंट का पैसा भी जो है पूरा सभी लोगों ने जमा कर दिया, समझ आ गया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने की थी, हमारे 30,000 शेयर थे, 3 रुपए जो थे 3 रुपए की थी हमारे अलॉटमेंट पे हमें जमा करने थे, समझ आ गया। अब एक काम करना, एप्लीकेशन आया समझ में, अलॉटमेंट आ गया समझ में। अब क्या होगा, अब इसके बाद में जितनी भी कॉल होंगी, यानी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी होती है, जो भी लास्ट की कॉल होती है, आप उसे फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। पर अब आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी तुम्हारी एंट्री जो भी बनेगी, एंट्री अब आपकी लगभग यही रहेगी। देखो एप्लीकेशन वाली एंट्री अलग थी, एप्लीकेशन में देख रहे हो शेयर एप्लीकेशन है, पहले बैंक था, यहां पर उल्टा हो गया, पहले अलॉटमेंट यानी कॉल आई है, पहले कॉल आई है, उसका पैसा बाद में बैंक में ट्रांसफर हुआ, और एप्लीकेशन में क्या था, पहले बैंक में ट्रांसफर था, समझ रहे हो, ये चीज का अंतर था। अब तुम्हें क्या करना है, अगर फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल में क्या होना है, यहां पर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, आपकी फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल, यानी कि एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, यहां से शेयर, शेयर क्या होगा अलॉटमेंट की जगह, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो हमारे अलॉटमेंट थी कितने की थी, यहां पर देखो आप कितनी है, 30,000 शेयर हैं, और हमारी फर्स्ट कॉल कितने की है, टू रुपीज की है, कॉल कितने की है, 2 रुपीज है, तो कितना हो गया, 60,000 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 60,000 डेबिट, और 60,000 क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट, ठीक है। अब देखो यहां तक आगे समझ, अब ये क्या है, यहां पर भी हमने क्या करा है, यहां पे भी कॉल मांगी गई है, अभी क्या है, अभी कंपनी ने कॉल मांगी है, यानी कंपनी ने कॉल करी है, चाहे आज के समय में फोन से मान लो, चाहे पुराने समय में क्या था, वो लेटर के थ्रू करती थी, ठीक है। ये क्या है, यहां पर सिर्फ कॉल मांगी गई है। अब क्या हो जाएगा, जो भी कॉल जमा करेंगे उस पैसे को क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो क्या हो जाएगा आपके नेक्स्ट, क्या हो जाएगी नेक्स्ट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट टू क्या हो जाएगा आपका, शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की होगी, यही था आपका 60,000 था, क्योंकि सभी ने कॉल जमा कर, हमें भी यही मान के चलने के सभी ने फर्स्ट कॉल जमा कर दी, तो 60,000 क्या हो गया आपके, डेबिट हो गए, और 60,000 क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, समझ आ गया। अब नेक्स्ट, अब क्या है हमारी, देखो क्योंकि कॉल दो ही थी, फर्स्ट कॉल होगी, अब क्या है सेकेंड कॉल, तो सेकेंड कॉल के अंदर भी वही प्रोसेस दोहराया जाएगा। सेकेंड कॉल के अंदर भी क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉल में क्या हो जाएगा, शेयर, बस यहां क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉल, ये भी आपको क्या करा जाएगा, पहले ऐड है ये मान लो, यानी कॉल करी जा रही है अभी बैंक, पैसा यानी कॉल मांगी जा रही है, पैसा भी आया नहीं है फर्स्ट में, तो यहां पर भी जो कॉल मांगी जा रही है कितने, 30,000 है आपके शेयर, और 3 रुपीज की है, तो कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90,000 डेबिट, और 90,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। ये क्या होगी, कॉल मांगी गई है, कॉल करा गया है अपने शेयर होल्डर को, क्या करी गई है, कॉल करी गई है। अब क्या हो जाएगा, जितने भी शेयर होल्डर जो पैसा जमा करेंगे उसे क्या करेंगे, उसे भी बिल्कुल सेम होगा, वो अकाउंट जो पैसा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल में यानी उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट टू किस चीज का पैसा है, सेकंड कॉल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल की जगह क्या हो जाएगा, सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल कितने की है, तो टोटल पैसा तो कितना आ रहा है, 90,000 ही आ रहा है,
90,000 डेबिट और 90,000 क्या हो जाएंगे क्रेडिट। तो स्टूडेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि दो ही कॉल है, दो कॉल तक दिया हुआ है, आप इसे दूसरी जो सेकंड कॉल है इसे फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड तक ही कॉल दी हुई तो ये सेकंड कॉल हो जाएंगे। तो आपका डेमो क्वेश्चन कंप्लीट।